नहीं मिली जोड़ के आए वापस जाना है। जैसा आपको मालूम है कि दो दिन हम लोग चिंतन शिविर में बैठे हैं और ये प्रयास किया गया कि चार साल में जो चार साल हो गए अब ये लास्ट बजट है हमारा इस सरकार का, तो एक लेखा जोखा करते हैं कि हम कहाँ पहुँचे, कितनी हमारी उपलब्धियाँ हैं और कितना हमारे कमियाँ रही है खामियाँ रही है। तो मुझे खुशी है कि हर मंत्री मंडल के हमारे सदस्यों ने तमाम विभागों के मंत्री उन्होंने खुल के अपनी बात रखी और बहुत अच्छे ढंग के परफॉर्मेंस बताई और आंकड़े आपको दिए जा चुके हैं कि अधिकांश जो है जो जन घोषणा पत्र था वो लगभग पूरा होने जा रहा है, बजट घोषणा भी अच्छे ढंग से परफॉर्म हो रही है, वो चार सब आपके पास में पहुँच गए हैं। अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में एक और नोट देंगे जिसमें और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ बातें ऐसी है जो मैंने पहले भी कहा कि जो सारे खाली राजस्थान के अंदर है देश में और राज्यों में नहीं है, इवन OPS जो है हमारी आलोचना भी हो रही है परंतु दिल्ली हाईकोर्ट ने भी फैसला किया 10 दिन पहले ही आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स को लेके कि आप भेदभाव नहीं कर सकते और OPS देना पड़ेगा आपको पैरामिलिट्री वालों को भी। उसी ढंग से पहले ह्यूमन राइट कमीशन कह चुका है, CNAG कह चुका है कि अभी तक तो 15 साल अधिक हो गया है, ना तो कोई कायदे नियम बने ना कोई पता नहीं भविष्य में क्या होगा, वो भी आलोच नहीं है। और जुडिशियल कमीशन भी कह चुका है हम लागू नहीं करेंगे और लागू है ही नहीं, हाईकोर्ट जजेस OPS ले रहे हैं, आर्मी OPS ले रही है, तो ये जो भेदभाव है ये चलने वाला नहीं है। हमारा मानना है कि अगर 60-70 साल तक हम लोग OPS को लेके ही प्रगति करते गए यहाँ तक पहुँचे हैं जिनका दावा सब लोग कर रहे हैं, तो फिर उस वक्त भी OPS ही लागू थी, तो आप एकदम इनसिक्योर कर दो हमारे ब्यूरोक्रेसी को या कर्मचारियों को तो कैसे वो काम करेंगे कॉन्फिडेंस से। रिटायरमेंट के बाद में हमारा क्या होगा अगर ये चिंता रहेगी तो मेरा मानना करप्शन भी ज़्यादा होगा और तो है ये दूसरी समस्याएं, मतलब काम भी नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा फैसला OPS का हुआ राजस्थान सरकार ने लिया और अब 4-5 राज्य हिमाचल भी पंजाब भी छत्तीसगढ़ झारखंड भी कर चुके हैं। और मैं अपील करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से, एक तो इसके बारे में OPS बारे में, दूसरा सोशल सिक्योरिटी ये अब देश में मुद्दा बनना चाहिए और राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। जिस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपने वक्त में जो UPA गवर्नमेंट वक्त में अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी, पार्लियामेंट में कानून बना करके राइट टू इंफॉर्मेशन, महात्मा गांधी नरेगा, RTE राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, 2 रुपये किलो गेहूँ 3 रुपये किलो चावल, ये तमाम जो अधिकार दिए थे
उसी प्रकार से वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट में कानून बने राइट टू सोशल सिक्योरिटी, जैसे विदेशों के अंदर हर परिवार को जो नीडी है उनको वीकली पैसा मिलता है, जीवन व्यापन करने की सिक्योरिटी वहां पर है, उसी ढंग से जीवन व्यापन करते हर परिवार बीपीएल नॉन बीपीएल अंत्योदय एनएफएसए वाले सबको मिला लीजिए आप, तो उसके अलावा भी हो सकता है ईडब्ल्यूएस वाले भी हों, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो जिंदगी जब तक वो उनका जीवन है तब तक सोशल सिक्योरिटी में उसको सरकार की तरफ से सहायता मिले। और ये तभी संभव है जब अभी जो पेंशन हम दे रहे हैं 1 करोड़ लोग दे रहे हैं राजस्थान में, और कई ज़्यादा कहीं कम, अब यूपी है वहाँ हमसे डबल ट्रिपल आबादी होगी, हम दे रहे 90 लाख 1 करोड़ के बीच में है, वो दे रहे हैं 40-50 लाख लोगों को। तो ये आप समझ सकते हो कि राज्य पे डिपेंड कर रहा है, क्या क्या शर्तें लगाते हो नहीं लगाते हो, इससे सबका भला नहीं होगा। वो तभी होगा तब सोशल सिक्योरिटी कानून बने पार्लियामेंट के अंदर, और इसके लिए हम लगातार हमारी पार्टी कांग्रेस भी जो राहुल गांधी जी जो निकल पड़े यात्रा में, उनका मुद्दा भी यही है कि देश में शांति सद्भाव भाईचारा रहे, तो तभी रहेगा तब आप सोशल सिक्योरिटी दोगे लोगों को। और इसीलिए वो महंगाई बेरोजगारी गरीब अमीर के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है वो तभी कम होगी, कम से कम आप जीवन व्यापन तो करवाओ हर व्यक्ति का। एक मजदूर भी जो होता है जब सही साथ नहीं देता है तो बुढ़ापे के अंदर वो क्या करे, वो घबरा जाता है कि जिंदगी कैसे निकलेगी, कई बार घर वाले उनका ध्यान रखने की स्थिति में नहीं होते हैं, रख नहीं पाते हैं, आप जानते हो कि अलग अलग परिवेश होता है परिवारों का। तो ये बात दिमाग में रही और इसके लिए आज हमने कैबिनेट में हाथ खड़े करवा के भी प्रस्ताव पास किया है सर्वसम्मति से कि प्रस्ताव हम बना के भेज रहे हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट मंत्रिमंडल मांग करती भारत सरकार से कि आप इस प्रकार से इसको लागू करें, एक्ट बना के पार्लियामेंट के अंदर, हमारा मकसद ये है। दूसरा हमने जनरल डिस्कशन जो मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी तो हर विभाग की समीक्षा हो रही है, बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है और क्वेश्चन आंसर भी हो रहे हैं आपस के अंदर, जिनको आशंका है वो अपने आशंका दूर भी कर रहे हैं। तो अच्छे ढंग से डिस्कशन बहुत ही अच्छे माहौल में अच्छे ढंग से बहुत ही मैं समझता हूँ कि प्रभावशाली तरीके से डिस्कशन चल रहे हैं। विपक्ष के बारे में आलोचना करने का कोई मुद्दा नहीं है राजस्थान के अंदर, इसलिए वो क्या कर रहा है, अब जैसे आप सब मीडिया साथी बैठे हुए हैं आप मेरी भावना को समझ जाएंगे और प्रदेशवासी समझ जाएंगे। अब ACP अगर छापा नहीं डाले गए किसी राज्यों में इसका मतलब वहाँ करप्शन है ही नहीं विपक्ष के हिसाब से, और हमारे यहाँ ACP जीरो टॉलरेंस रख रही है करप्शन को लेके, जीरो टॉलरेंस उसको ये कहते हैं बहुत करप्शन है। तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कि जहाँ ACP छोड़ नहीं रही है सरकार कहती है संवेदनशील पारदर्शी जवाबदेह प्रशासन देंगे, और जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं और उसके अंतर्गत छापे पड़ रहे हैं, लोग कहते हैं हिंदुस्तान भर में सबसे ज़्यादा छापे राजस्थान में पड़ रहे हैं, इतना शानदार काम हो रहा है एंटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और ये लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो पब्लिक सब समझ रही है कि ये किस प्रकार से बोल रहे हैं। उसी प्रकार से जो मैंने सरकार मंत्री नवाचार किया और मैंने कहा कि राजस्थान में कंपल्सरी करेंगे FIR को। दुर्भाग्य से मीडिया में हमारे साथी भी कई बार गहरे में जाते नहीं है, और आजकल तो पूरा मीडिया का हालात जो है
पूरे देश के अंदर आप कुछ समझ रहे हैं, गोदी मीडिया जो कहलाने लग गया है, तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट जो उतनी हो जाएगी, आप समझ जाएंगे और मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर हमने इतना बोर्ड स्टेप बढ़ाया, थानों की स्थिति आप भी समझते, हम भी समझते थे। थानों के अंदर मीडिया पर्सन तो फिर भी चले जाते हैं, भाई चलो तो अखबार वाले लोग हैं, समाजता मान सम्मान मिल जाता है। आम जनता को, डॉक्टर हो इंजीनियर हो, उनकी जो बेइज्जती होती है थानों के अंदर, तू तान बात करते हैं, उससे क्या बीतती है आप सोच सकते हो। और किसी के घर में रेप भी हो गया, गरीब परिवार है बेचारा, वो जानता हुआ तूता करेंगे, मुझे भगा देंगे, और जिसने रेप किए हैं उनके पैर खा लेंगे, वो जाते नहीं बेचारा। और जिंदगी भर वो मन में तीस रखता है कि मेरी बेटी के साथ में जुल्म हुआ और समाज कुछ नहीं कर पा रहा है। हमने जो बोल्ड स्टेप उठाया, हर FIR कंपल्सरी रजिस्टर करना जरूरी है। अगर मीडिया में जो भावना होती है तो ये नेशनल इश्यू बनता है कि राजस्थान सरकार ने कंपल्सरी की FIR थाना के अंदर, नहीं होगी तो SP ऑफिस में कंपल्सरी करिए और थानेदार के खिलाफ एक्शन होगा, इन्होंने कहा है। आप देखिए कहीं चर्चा हुई है कहीं, और उसके कारण से कितना बड़ा फायदा हुआ मैं आपको गिनाना चाहता हूँ। आप देखिए FIR अनिवार्य करने के बावजूद भी जो क्राइम कंट्रोल हमने किया है और लोगों में भय पैदा हो गया है, अब FIR लॉन्च होगी कंपल्सरी, इसके कारण भय पैदा हुआ। उस भय के कारण देखिए आप 19 के तुलना में 21 के अंदर 5% अपराध कम हुए हैं। MP में, हरियाणा में, गुजरात, उत्तराखंड में, 17 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए। गुजरात में अपराधों में करीब 69%, हरियाणा के अंदर 24% और MP में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हमने कंपल्सरी की तब भी 5% कमी आई और इनकी बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े मेरे नहीं है, NCRB जो भारत सरकार की बुकलेट निकलती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। फिर आप आगे देखिए, हत्याओं में महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार में, अपराध में और अपहरण में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। नंबर 3 कस्टोडियल डेथ में गुजरात सबसे ऊपर है। नंबर 4 नाबालिगों के साथ बलात्कार यानी पोस्को एक्ट के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जबकि राजस्थान 12वें स्थान पर है। SC/ST क्राइम में UP नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पर है। अनिवार्य पंजीकरण नीति के परिणाम है कि 17-18 के अंदर 33% FIR कोर्ट के माध्यम से CRPC के अंतर्गत, आप जानते हो 156(3) के अंतर्गत इस कारण से दर्ज होते थे। अब वो संख्या जो है हमारी नीति के कारण से, अनिवार्य पंजीकरण के कारण से कॉन्फिडेंस बढ़ा, अब खाली 33% के बजाय 13% रह गई है। कोर्ट से आदेश आना पुलिस के पास में है, वो 13% रह गई है। इसी प्रकार से आप देखिएगा 17-18 बलात्कार के मामलों में अनुसंधान जो है 274 days, 274 दिन लगते थे, आज 68 days लगते हैं, 68 days लगते हैं, सिर्फ 68 दिन का 274 और का 68। पोस्को के मामले में भी अनुसंधान का समय जो है औसत 232 दिन था, 66 दिन रह गया, 66 दिन रह गया। SC/ST के अंदर भी 51 मामले अदालत के माध्यम से CRPC 156(3) से दर्ज होते थे 15 के अंदर, अब से 10% रह गए। ये FIR के अनिवार्य पंजीकरण नीति का परिणाम है। ये
ये क्योंकि हमने कंपनी कर दी उसका कुछ लोगों ने फायदा उठाया और यूटी एफ आई दर्ज करने लगे, वो अलग बात है। उसके बावजूद हमारी नीति कायम रहेगी। सरकार की जो झूठी एफ आई आर जो मैंने कहा हो रही है, परंतु अनिवार्य पंजीकरण की नीति से पीड़ितों और फरियादियों को एक संबल मिला है, वो बिना किसी भय के थाने में अपनी शिकायत देकर न्याय के लिए आगे आ रहे हैं। बलात्कार के प्रकरणों में राजस्थान में सजा का प्रतिशत जो है आप देखिएगा 48% है राजस्थान के अंदर, और राष्ट्रीय स्तर पे मात्र 28.6% है। मतलब आप देखिए राष्ट्रीय औसत से राजस्थान में 48% तक हम बलात्कार प्रकरणों के अंदर पनिशमेंट का जो प्रतिशत है सजा हुई है वो 48% हुई है, राष्ट्रीय 28.6% है। और महिला अत्याचार के प्रकरणों में भी राजस्थान में सजा का प्रतिशत 45.2% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 26.2% ही है। महिला अत्याचार के प्रकरणों की पेंडिंग जो प्रतिशत है वो 9.6% राजस्थान में, और जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 31.7% है, ये NCR की बुक में है। फिर भी हमारे मित्र लोग जो हैं हमारे साथी विपक्ष के आईपीसी के प्रकरणों में राजस्थान में पेंडिंग प्रतिशत करीब 10% है और राष्ट्रीय स्तर पर 35.1% है। अब आप बताइए मुझे, जानबूझकर के राजस्थान में क्राइम बढ़ रहे हैं, रेप हो रहे हैं। आप हालात देखिए पूरे देश के अंदर, मैंने आपको फिगर दिए, मेरी फिगर नहीं है ये, फिगर NCR की बुक के है। कहने का मतलब है विपक्ष में इतना साहस नहीं है कि कम से कम जो फिजिकली फैसले हुए हमारे, ये कोई फैसला एक थाने के लिए हुआ नहीं है, पूरे राजस्थान के लिए हुआ, कोई कंपल्सरी एफ आई आर करेंगे, ये नीतिगत फैसला था। क्या एक शब्द भी हमारे किसी के मुंह से निकला विपक्ष नेताओं से कि भाई ये कम से कम इन्होंने फैसला ठीक किया है? लागू होने की कमियां बता सकते थे, वो सुझाव दे सकते थे, पर कुछ नहीं। उनको क्योंकि वो इतने बुखला गए हैं कि 4 साल की हमारी उपलब्धि है शानदार बेमिसाल, 4 साल की हमारी जो बजट घोषणा है बेमिसाल है, उनके तो मुंह पे ताला लग जाते हैं, उनको तो छिपके रहना पड़ता है असेंबली के बाहर, तो मीडिया से क्या बात करें, ऐसी स्थिति हमने बना दी इनकी। अब वो क्या कहे, तब वो ये बात कहेंगे साहब देखिए ECB खूब छापे पड़ रहे हैं क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है, उल्टा भ्रमित करेंगे लोगों को, क्या कहेंगे कि ये क्राइम बहुत बढ़ गया है, जबकि इतना कंट्रोल क्राइम राष्ट्रीय स्तर पर कंट्रोल है। राज्यों को मैंने आपको सुनाया, राज्यों के कम तुलना बताई मैंने आपको। अब आई बात आपके, हमें चिंता है कि चुनाव आ रहे हैं तो ये हर मौका ढूंढते हैं कि साम्प्रदाय तो कहते फैले राजस्थान में, और इसीलिए ये जानबूझ करके हर चीज को उछालने का प्रयास करते हैं। उदयपुर करौली जोधपुर में साम्प्रदायिक घटना हुई, खूब उन्हें उछालने का प्रयास किया, जबकि 2 घंटे में वहाँ 1 घंटे में निपट गया, वहाँ पर कंट्रोल कर लिया गया साम्प्रदायिक तरह की घटना को करौली के अंदर। आप मैंने कई लोग करौली के मेरे जा रहे करौली डरा दे आते लोग पत्रकार बन करके, तो लगता है कि पता नहीं आप कितने लोग बैठे हैं, आई डोंट नो, पर कौन कौन है पता नहीं, कोई है करौली का? कोई नहीं, सब गायब हो गए। तो पर करौली की घटना 1 घंटे में काबू कर ली गई। कन्हैयालाल हत्याकांड था, ये लोग तो आप बताइए घटना होने के बाद में बेशर्माई से लोग हैदराबाद गए अपने कॉन्फ्रेंस भाग लेने के लिए, बीजेपी नेता लोग, ये नहीं इतनी बड़ी घटना हुई है तो जाए उदयपुर कम से कम अपने विपक्ष की भूमिका निभाए। हम लोगों ने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए, बड़े हुए दौरे कैंसिल करे, बीच में आए हम लोग जयपुर आए,
और सेकेंड डे चीफ सेक्रेटरी को, डीजी पुलिस को, हमारे मंत्री चले गए, मैं खुद चला गया, परिवार वाले जाके मिले, किए, साधना दी। और सबसे बड़ी बात है, उसी रात को दोनों मुजरिमों को पकड़ लेना, वरना वो आग लगा देते लोग अगर नहीं पकड़े जाते वहां पर। अभी ये राजू ठेठ की जो हत्या हुई है, वो खुद ही क्रिमिनल आदमी था, उसको ही बनाने लग गए लोग, तो वहां बीजेपी कांग्रेस करने लग गए, और उनको पकड़ लिया रात भर में, चारों लोगों को। हमारे यहाँ केस ऑफिसर स्कीम जो बनाई गई है, उसके अंतर्गत बहुत फास्ट ट्रैक से सुनवाई होती है। अभी तक 8 लोगों की फांसी और 300 लोगों से ज्यादा उम्र कैद हो चुकी है राजस्थान के अंदर। एडिशनल SP लैंग का अधिकारी हर जिले में लग गया है, महिला अत्याचार को सब देखने के लिए महिला अनुसंधान यूनिट अलग बना दिया हम लोगों ने। और स्वागत कक्ष हिंदुस्तान में कई नहीं है, 4 लाइन लिखते हुए संकोच होता पत्रकारों को कि स्वागत कक्ष थानों के अंदर बनना हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। ये बार क्लब चलते रात को, सुबह 3-4 बजे चलते हैं, गली गली में खुल रहे हैं, वो तो बाद में देखेंगे हम कैसे रेगुलेट करें इनको। अभी हमने तय किया कम से कम रात को 11:30-12 बजे तब बंद करें वो, 12 बजे पहले पहले अपनी दुकान समेट लें, कम से कम जाके आराम से घर पे लोग रह सके। और दारू की दुकानें जो है वो मैंने 8 बजे कह दिया है कि ऐसे तो जिम्मेवार होगा, जहाँ दुकानें खुली मिल गई तो उसका असर पड़ा है राजस्थान के अंदर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है राजस्थान के अंदर। हम चाहते हैं कि लोग सुख की नींद सोए, परिवार वाले हर व्यक्ति की गाँव में पत्नी है, बीवी बच्चे जो है शांति से रहे, ये हमारी सोच है, उसको हम लोग बढ़ावा देंगे। आपके ये पेपर लीक कल कहा था प्रताप सिंह जी ने, मोहता जी का होगा आपको बताइए, आप हिंदुस्तान में पेपर लीक हर राज्य में हो रहे हैं, आर्मी में हो रहा है, आपके अभी 1 महीना पहले जुडिशियम हो गया, हाईकोर्ट के पेपर लीक आउट हो गए। हम जो है आगे बढ़ के पहला राज्य राजस्थान जो जेल भेज रहा लोगों को, पकड़ रहा है, उस तक पहुंच रहा है कि किसने किया, कैसे पेपर आउट किया, वहां तक पहुंच रहा है। कानून पार कर दिया असेंबली के अंदर, और अभी हमने उनकी प्रॉपर्टियों को भी बुलडोजर भेजे वहां पर तोड़ने के लिए, बर्खास्त कर दिया अधिकारियों को, बर्खास्त कर दिया। और बच्चे जो है जो इसमें पकड़े गए डिबा कर दिया, आगे एग्जाम देने से सब कुछ कर दिया, उसकी चर्चा नहीं। और ये अपोजिशन वाले पेपर लीक के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे अधिकारियों पर, नेताओं पर, इनके पास कहना कुछ है ही नहीं, सामान कुछ नहीं इनके पास। इसीलिए अमित शाह जब आए थे जयपुर तो मुझे बताया गया, सच्ची क्या है तो पत्रकार मित्र ज्यादा जानते होंगे, उन्होंने इनको झाड़ा अपने ऑफिस के अंदर, जब इन्होंने कहा साहब ये सरकार कुछ नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, क्या बकवास करते हो, सरकार को 4 साल में तुम लोगों ने एक आंदोलन खड़ा नहीं किया राजस्थान के अंदर, ये मैंने सुना है, सच्चाई क्या मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जो मैंने सुना बता दूं, एक मीटिंग में भी था वहाँ पर, नॉर्थ काउंसिल मीटिंग थी, वहीं से वो आए थे, हम लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस दी उनको कि किस प्रकार राजस्थान में क्या प्रॉब्लम्स है स्टेट इंटरेस्टेड के, हम अपने जो भावना थी उनको बताई है, OPS वाली भी अमेरिका से, और इसने बताइएगा आप जाके प्राइम मिनिस्टर को कहिएगा कि लागू करे पूरे देश के अंदर चेंज योजना वाली। उसके बाद मुझे तो बीजेपी वाले कह रहे हैं साहब ऐसी स्थिति बन गई वहाँ पर, अब पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है, तो आप लोगों ने पूछा होगा तो मालूम होगा आपको, पर मैंने सुनाई तो मैंने आपको शेयर कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि 2 दिन की जो हमारी मीटिंग है बहुत फ्रूटफुल है, बहुत इफेक्टिव है, और पहले भी याद होगा आपको हमने प्रयास किया कि इस प्रकार लेकर योगा करना चाहिए।
ये आंतरिक मीटिंग थी हमारी, आंतरिक मीटिंग थी, आप पर बैठ के बातचीत करी और एक से बढ़ के एक सुझाव आए, उसी रूप में हम लोगों ने अभी असेंबली आ रही है, सब तैयारी शुरू कर रहे हैं हमारे मंत्रीगण भी, और असेंबली में बजट आएगा हमारा 8 तारीख को, 8 तारीख को बजट ला रहे हैं हम लोग, 8 फरवरी और 23 को असेंबली शुरू हो रही है। बजट जो है वो इंक्रीज होगा, कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने पिछली बार किसानों के लिए अलग बजट पेश किया था और 12 मिशन बनाए थे हमने अलग अलग कृषि क्षेत्र को लेके, तो मिशन मोड पे किसानों के लिए हमने प्रयास शुरू किए राजस्थान के अंदर। उसी ढंग से हम चाहेंगे कि अब जो बजट आए इस बार किसानों तक आएगा अलग अलग बजट, परंतु फोकस जो है इस बार यूथ को, स्टूडेंट को रखना चाहते, महिलाओं को, जो जो सुझाव आएंगे हम चाहेंगे उस पर समावित करें। ठीक है, थैंक यू। एक और बात कहना चाहूंगा, एक सेकेंड की सबसे खुशी की बात यह है, कोरोना में हमने शानदार मैनेजमेंट किया, अभी हमने भी कहा कि जो ये अनैतिक काम करेगा कोई कर्मचारी, और जिस प्रकार भ्रष्टाचार तो करेगा ही करेगा, अनैतिक कार्य करेगा और अपने जानबूझ करके पब्लिक स्कीमों को लागू करने में कोताही करेगा, अभी पैसन गाँव के संग पैसन सर्वे जगह अभियान चल रहा है, उसमें कई कई जगह नगर पालिकाओं के जो ईओ है, अधिकारी है, वो कॉपरेट नहीं कर रहे। 10 लाख का टारगेट था, अभी 6 लाख पहुंचा है। तो हमने तय किया कि भाई अगर कोई जानबूझ के सब कुछ कर रहा है, ऐसे लोगों को खाली एपीओ और सस्पेंड करने का काम चलेगा, इनको बर्खास्त करना चाहिए सरकारी नौकरी से। सबसे खुशी की आप कुछ खबर यह है कि अभी राजस्थान की स्थिति है देश के अंदर, हमने हर क्षेत्र में जो बजट पेश किए थे लागू, बजट पेश ही नहीं किए, हमने लागू भी किया, उनको इम्प्लीमेंट किया है। जो हमारे पूछ रहे थे हमारे नेता प्रतिपक्ष की पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आ भी गया, पैसा खर्च भी हो गया, टेंडर निकल गए, वर्क ऑर्डर दे दिए, ऑफिसर खुल गए, तहसील उप तहसील एनजीओ ऑफिस नगर पालिकाएं महाविद्यालय गर्ल्स के बॉयज के यूनिवर्सिटी, जो भी करना था हमने, जो वादे किए हमने निभाए, हर क्षेत्र में प्रगति की है, पानी बिजली शिक्षा स्वास्थ्य सड़कें, उसी जीडीपी बनती है और उसी कारण से आज देश के अंदर नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश 11.4% और राजस्थान है 11.04%। दूसरे नंबर पर देश में विकास की दर जो है वो राजस्थान की है, इस बात की हम सबको प्रसन्नता गर्व होना चाहिए। बताइए, छोटे देशों में अमेरिका में है, क्या डिमांड कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, आपने कैलकुलेशन की दिखती है। देखिए अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, सब जगह है, सब राज्यों में है, और सुनिए आप आगे, अगर आपने क्वेश्चन किए ही है तो जवाब देता हूँ आपको। ओबामा की है अमेरिका के अंदर फेल हो गई और हमारे चेंज योजना दौड़ रही है, ठीक है, और कोई कृष्ण गोपाल शर्मा। सर मेरा सवाल ये है कि जो 2 दिन का मंथन आपने चिंतन किया है, जो
जितने भी सुझाव आए हैं तो उस पर कोई आपने कोई प्रस्ताव या कंक्लूजन तैयार किया है, कोई रोड मैप तैयार किया है जिसपे आगे काम होगा और फिर से इसका रिव्यू किया जाएगा? अभी तो मीटिंग चल रही है, उठ के आया आपके लिए और उसके बावजूद भी रोड मैप भी तैयार दिलो दिमाग में सबके हुआ है, असेंबली आ रही है उसमें आपको दिखाई देगा और आप निश्चिंत रहे कि चार बजट पांचवा बजट आ रहा है तो फिर आप उसका इंतजार भी कीजिए, रोड मैप आपको और मालूम पड़ेगा। हमारे मंत्रियों के बारे में मैं आपको शेयर करूं, जोरदार मामला भाई, हमारे मंत्री एक से एक अव्वल है देखिए और ऊंची ढंग से काम करने वाले लोग हैं, बहुत जम के काम सुनने किया है, परफॉर्मेंस और उनकी व्यक्तित्व ऊपर के आया है इतना मैं कह सकता हूँ। अभी जो मैं सुन रहा हूँ सब मंत्रियों से तो मुझे लगा कि बहुत कॉन्फिडेंस है उनके अंदर काम करने का, पकड़ है अपने डिपार्टमेंट के अंदर, ऊंची ढंग से काम हो रहा है। खाली यही मुख्यमंत्री थोड़ी काम कर सकता है, बजट पेश करना एक बात है, इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात है। इम्प्लीमेंट तब होता है जब मंत्री लोग सब कॉपीट करते हैं अपने विभाग में, पकड़ सकते हैं। क्या बोले मुख्यमंत्री महोदय, आपके सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां आई और आपने बखूबी उसका मुकाबला किया, आगामी एक साल में आप सबसे बड़ी और कौन कौन मुश्किल आएगी, सबसे बड़ी किस चुनौती को समझते हैं और उसके लिए आपका रोड मैप? मैं कोई चुनौती है तो आप समझते हो, मैं तो समझता नहीं चुनौतियों को, मैं तो बिल्कुल गवर्नेंस करनी है जो जिम्मेदारी होती है उसे निभाता हूँ मैं पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, समर्पित होकर और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। मेरा ध्येय जिंदगी का यही है मैं आम जनता के लिए क्या सेवा कर सकूँ, अंतिम व्यक्ति तक मैं कैसे पहुंच सकूं, सोशल सिक्योरिटी में कैसे लागू कर सकूं, कोई भूखा नहीं सोए, मैंने कहा था कोरोना में पूरे प्रदेशवासियों ने उसको निभाया और बहुत कामयाब किया उसको, और सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि देश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, सुनिश्चित करे केंद्र सरकार। ये हमारी सरकार की भावना थी, सुप्रीम कोर्ट ने प्रकट की, मेरे लिए गर्व की बात थी। चिंतन और मंथन के बाद सर ये राजस्थान के मुखिया हैं और राजस्थान के मुखिया होने के नाते आपका छोटे छोटे मुद्दे पे जैसे कोई लैक रह जाता है तो उसके लिए पड़ोसी राज्य को ये कहना कि भी वहाँ पे इतना होता है एमपी पे होता है तो उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे राजस्थान का मुखिया है और कोई बात होती है तो उसपे आप ये कहते हैं कि भाई यूपी में ये हो रहा है, ना ना कुछ नहीं कहा, मैं तो कहा एनसीआर की बुक में क्या लिखा हुआ वो बताया, मैं नहीं कहता हूँ तो मैंने, आप ठीक कह रहे हो, मुझे मेरी राज्य की चिंता करनी चाहिए, वो तो मैंने कहा कि एनसीआर की बुक में लिखा हो, मैंने आपको खाली कोट किया। दो सवाल है मेरे, सवाल पहला ये है कि आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, हमने खबर की है हम घाटगेट से रामगंज तक गए, वहाँ सारे बरामदे चौक है सर, कार्रवाई और जगह हो जाती है लेकिन वहां नहीं होती है, हमने इस पर विपक्ष से भी बात की, अभी आज ही सुबह बात करी थी, उन्होंने तुष्टीकरण का आरोप सरकार पर लगाया, वहीं सर अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है लेकिन ऐसे इलाकों में जो अल्पसंख्यक समुदाय के इलाके हैं वहां पर कोई इस तरह की सड़क सुरक्षा जैसा कुछ नहीं हो रहा है, रामगंज में सर पॉइंट नहीं है ट्रैफिक पुलिस का, लोग बिना हेलमेट जाते हैं, जिंदगी से खिलवाड़ हो जाता है। देखिए किस गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, मान लगे आप पहुंच गए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप जाके एक गली देख के आ गए और आप ऐसा क्वेश्चन मुझसे कर रहे हो विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष के डीएनए वो ये जो वो कह रहा है सर, कि मोदी जी ने भी अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोला है कि जीत का मंत्र दिया है कि मुसलमानों के बीच में जाए बीजेपी, अनाप शनाप ना कहे मुस्लिमों के लिए, और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों को दे, इस पर फोकस किया है मोदी जी ने अभी कार्यकारिणी की बैठक। ये बात बताओ जो अभी क्वेश्चन पूछे थे ना, विपक्ष कह रहे हैं तुष्टिकरण कह रहे हैं, उनको बताओ
चिंतन और माफियाओं के बाद अमृत जो निकल के आया है, चिंतन और मंथन के बाद जो अमृत निकल के आया है, उसे क्या मानते हैं, कौन सा क्या खास उसमें पॉइंट? अभी तो मैंने कहा मीटिंग चल रही है भैया, उनके आए बीच में एक और काम उन्होंने किया। अभी उत्तराखंड के वक्त में जब त्रासदी आई थी बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर, तब हम लोगों ने नौकरी दी थी सबको, जो परिवार वाले राजस्थान के लोग थे और जो चल बसे, उसमें हमारे नेविजन सैन्य थे जो पीसी जी में हमारे काम करते थे। तो सरकार बदली तो जिनकी नौकरी लगी हुई थी, उस सरकार ने उनको वापस निकाल दिया और उस स्कीम पर रोक लगा दिया। हमने वापस कहा कि स्कीम को वापस लागू करेंगे और तमाम उन परिवार को नौकरी देंगे जो परिवार उस वक्त में दुनिया ही चले गए। पेपर माफियाओं के खिलाफ तक सख्त कानून भी बना और चुनावी साल के अंदर केंद्र सरकार जल्दी केंद्रीय मंत्रिमंडल में रीशफल करने जा रही है। राजस्थान में भी क्या मंत्रिमंडल? ये आप मैं आपको बताऊंगा, आपको बताऊंगा करूंगा कि नहीं करूंगा, करेंगे कि नहीं करेंगे। और केंद्र सरकार ने आपको आपको कहा उन्होंने आगे वो करने जा रहे हैं? जरा केंद्र सरकार में न्यूज आई है। सर एक सवाल है सर, पेपर लीक मामले में सर सख्त कानून भी बन गया, उसके बावजूद भी सर ये सिलसिला नहीं रुक रहा, पूरी सरकार का मंथन था सर, कोई पता लगा कि वजह क्या है सर? अब देखिए वजह आप समझ सकते हो कि क्यों है, देश के अंदर क्या वजह है वो एक अलग विषय है, पर दुर्भाग्य से आप बताइए इतना फ्रस्ट्रेशन है या इतने गैंगस्टर पैदा हो गए हैं हर राज्य में, क्यों हो रहे हैं? 18-18 हो रहे हैं, गुजरात के अंदर भी हो रहे हैं, यूपी के अंदर भी हो रहे हैं। तो ये चिंता की वजह होना चाहिए सबके लिए और इसको रोक ही सकते हैवी एंड से। हमारी सरकार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, सभी तरह से हम कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए मेरे लिए ज्यादा दुख की बात है, एक तो आप नौकरी दे नहीं रहे हो, तुम्हें परवाह नहीं है, या जो नौकरी दे रहे हैं पेपर लीक भी हो रहा है, उनको मालूम पड़ेगा पेपर लीक हो रहा है, वो परवाह नहीं कर रहे हैं और नौकरी लग जाती है ऐसे लोगों की। ऐसे राज्य भी हैं जो हम सुनते हैं कि जहाँ नौकरी लग जाती है ऐसे लोगों की भी, हमारे यहाँ चाहे वो कैंसिल करना पड़ा, मुझे कितना दुख हुआ, वो 25-26 लाख बच्चे थे, नौजवान थे जो अभ्यर्थी थे, मैंने बड़े प्यार से उनके लिए, भाई दूर दूर उनका सेंटर आ गया है, फ्री ट्रांसपोर्ट किया, पैदाजी बैठे हुए हैं, इन सब का आशीर्वाद है। मैंने कहा कि रोडवेज के अलावा भी पैड बसों में किराया हम देंगे उनके लिए, ये व्यवस्था करते, बड़े खुश हो गए, किराया ये बहुत बड़ा शानदार निर्णय हो गया। तो मैं कलेक्टर्स को कॉन्फ्रेंस करी कि भाई जो दूर से बच्चे आएंगे इनको रात को रहने करने का भी इंतजाम करवा दो, इनफॉर्मल खाने पीने का इंतजाम करा दो। एक बच्ची आई आगरा से, वो कहने लगी मैं तो पहली बार देख रही हूँ कि मैं उतरी वहाँ पर जोधपुर में, मुझे एसडीओ साहब ले गए, बसड़ी थे गाड़ी के अंदर भेजा, एग्जाम के वापस लाए मुझे और वापस ट्रेन बढ़ाया, ऐसा हाथ कहीं हुआ नहीं, पर पेपर लीक हो गया, उसके अंदर सब पानी फिर गया। जो हमने व्यक्तिगत इंटरेस्ट लिया उस पर पानी फिर जाता है, यह है तो ये तो चलता रहेगा। तो क्या मुख्यमंत्री जी ऑपोजिशन पार्टी जो यही चाह रही है सर, नमस्कार जय हिंद जय भारत।